हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम बात करेंगे मिस मार्वल से रिलेटेड काफी कमाल के अपडेट के बारे में। आपने मिस मार्वल के 3 एपिसोड तो देख लिए होंगे जो कि काफी ज्यादा अच्छे थे। तीसरे एपिसोड में जो बॉलीवुड का सॉन्ग दिखाया है, जो कल्चर दिखाया है, जो कनेक्शन दिखाया है, वो मेरे को खड़ा कर देता था। वास्तव में लिटरली मजा आ गया। पर मजा तो तब आया जब शैंग-ची लेजेंड ऑफ द टेन रिंग का कनेक्शन दिखाया, और इससे ये कंफर्म होता है कि ये मूवी और ये सीरीज कहीं ना कहीं ओल्ड टाइम से कनेक्टेड है ही है। अब ये कैसे और कहां पर कंफर्म हुआ, तो मिस मार्वल के एपिसोड 3 में आपने देखा होगा कमाला खान की पर नानी, जो कि आयशा नाम था उनका, वो कंगन को काफी टाइम से ढूंढ रही थी। और एक्चुअली में वो जिन थी जो कि दूसरे यूनिवर्स से आई थी, जिसका नाम था नूर डायमेंशन। तो ये काफी ज्यादा शॉकिंग वाला था क्योंकि मल्टीवर्स तो इन्होंने रिवील्ड कर ही दिया, और साथ ही साथ में कंगन का भी बड़ा खुलासा करती गई। कंगन इकलौता एक नहीं था, कंगन के 2 जोड़े थे, जी हाँ, जो कि दूसरा तो उन्हें मिला नहीं, पर पहला कंगन मिल चुका था। और वो जो कि पहला कंगन आयशा के पास आया था, फिर आयशा से उसकी नानी के पास गया, और फिर नानी से गया कमाला खान के पास। और कंगन की जो पावर थी वो अंदर से एक्टिव होती थी, ना कि कंगन में खुद इकलौती पावर थी। और इसका मतलब कमाला खान भी एक तरीके से जिन हो सकती है, पर इसका खुलासा बाद में होगा, अभी हम कोई भी कंफर्मेशन नहीं दे रहे हैं। पर सबसे बड़ी बात, लेजेंड ऑफ द टेन रिंग्स में जो हमें फ्लैग दिखाया गया था, जिसमें टेन रिंग्स दिखाई गई थी, जिसमें 2 तलवारें थी आपस में लड़ती हुई नजर आ रही थी, वही निशान हमें उस टेम्पल में देखने को मिला, जिसमें काफी सारे लोग दबे पड़े थे, मरे पड़े थे। और उसमें से एक ब्लू रंग का इंसान था जिसकी अभी आइडेंटिटी कन्फर्म नहीं हुई है, उसने वो कंगन पहन रखा था। अब वो बंदा कौन है? चलो फाइनली वो कंगन तो आयशा को मिल गया, पर आयशा ने यहाँ पर जिक्र करा दूसरी चीज का कि दूसरा कंगन कहाँ है। तो यहीं पर काफी सारी इनसाइड थ्योरी आती है कि दूसरा जो कंगन है वो है मैंडरिन के पास। और मैंडरिन कौन है? मैंडरिन है शैंग-ची का फादर, जो कि काफी टाइम से इस दुनिया पे राज कर रहा है और लोगों को अपने कंट्रोल में बनाए रखा हुआ है। अब थ्योरी यहाँ पर ये आती है कि जो कंगन है उसके टुकड़े कर दिए, और उसके टुकड़े करे थे 10, 5 राइट वाले में पहनने के लिए और 5 लेफ्ट वाले में पहनने के लिए, इसलिए उसको टेंडिंग्स बना दिया गया। अगर ये थ्योरी सच निकली, दूसरे कंगन के 10 टुकड़े कर दिए गए जिसको टेंडिंग्स नाम दिया गया। और इसका उदाहरण साफ ये भी है क्योंकि दोनों के अंदर से ही ब्लू एनर्जी निकलती है, तो ये थ्योरी कहीं ना कहीं मुझे सच लग रही है। आपको क्या लगता है, क्या दूसरा कंगन मैंडरिन के पास है जो कि टेंडिंग्स में डिवाइडेड है, वो कंगन मैंडरिन से शैंग-ची के पास ट्रांसफर हो गए हैं? अब आने वाले फ्यूचर में कमाला खान और शैंग-ची का क्या मीटअप होता है, और जैसे ही वो एक दूसरे के वेपन्स को देखेंगे तो क्या होने वाला है वो सीन, तो ये तो आने वाले फ्यूचर में ही पता चलेगा एमसीयू के में। आपका क्या मानना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको ये थ्योरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।